बता दें व्यूवर्स को और ऑडियंस को, द वॉइस ऑफ जेके टीवी वेलकम करता है सबका इस चैनल में। और ये नर्सरी है टेम्परेट रीजन की, वन ऑफ द बेस्ट नर्सरी कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कठुआ का जहाँ तक सवाल है। और इसमें हम क्रेडिट देते हैं बीओ बनी, जिनका अहम रोल रहा है इस नर्सरी को डेवलप करने में। और उसके साथ साथ हम अप्रिशिएट करते हैं और थैंकफुल हैं रेंज ऑफिसर बनी और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बिसोली के, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और हम चाहते हैं, उनसे पुरजोर गुजारिश है कि इस नर्सरी को हाईटेक बनाया जाए और जितना हो सके कहीं सूटेबल जगह पे इस नर्सरी को फैलाया जाए। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसको हम प्लांटेशन ड्राइव भी कह सकते हैं। जहाँ कहीं कम प्लांटेशन है वहाँ पे हम एवरग्रीन इम्प्लांटेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं और माहौल को साफ रखें। और जंगल से हमें बेशुमार फ़ायदे हैं, जैसे इनको कहा गया ये हमारा कौमी सरमाया है। इनसे हम इमारती लकड़ी हासिल करते हैं, जलाने की लकड़ी, और इसके साथ साथ बारिश बरसाने में अहम रोल अदा करते हैं जंगल और माहौल को ठंडा रखते हैं। कोलैप्सिंग इकोसिस्टम है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो नीड ऑफ द आवर है कि हम जंगलों की हिफाजत करें। हम सब का फ़र्ज बनता है और डिपार्टमेंट का तआवुन दें जहाँ तक हो सके, तो हम ग्रो करें प्लांट्स। ये प्लांट ग्रो करना सबसे बड़ी बात है कि एक कंटिन्यूस चैरिटी है। ग्रोइंग अ प्लांट इज़ कंटिन्यूस चैरिटी। उससे जो फ़ायदे होते हैं, साया मिलता है, परिंदे बैठते हैं, कई कीड़े मकोड़ों का घर बनता है, तो ये स्वाब की बात भी है जो मरने के बाद भी काम आएगा, जिसको हम कंटिन्यूस चैरिटी कहते हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो ऐसी नर्सरी इंस्टॉल करें, इसको हाईटेक बनाएं और इनिशिएटिव लें फौरी तौर पर, क्योंकि फॉरेस्ट का और जो है तो हम हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं है तो हमारा वजूद भी खतरे में होगा।